सूरजपुर जिले से आते हैं जी सर। सूरजपुर जिला किस चीज़ के लिए फेमस है, खासकर वन के संदर्भ में? सर हाथी बहुल क्षेत्र है सर। हाथी बहुल क्षेत्र, तो हाथी बहुल क्षेत्र है तो इसके फायदे हैं या नुकसान है? सर इसके फायदे जैव विविधता के दृष्टि से देखा जाए तो फायदे हैं सर। जैव विविधता की दृष्टि से फायदे हैं, और नुकसान क्या है? नुकसान सर जनहानि का नुकसान होता है सर, फसलों का। तो क्यों इसे ही मानव हाथी द्वंद्व कहा जाता है, तो ये क्यों मानव हाथी द्वंद्व पैदा हो रहा है? सर सूरजपुर सरगुजा जसपुर ये जो एरिया है सर वो हाथी कॉरिडोर एरिया है सर, और मानव का उनके कॉरिडोर में प्रवेश करने के कारण द्वंद्व होता है सर। तो मानव उनके कॉरिडोर में प्रवेश कर रहा है, चलिए ठीक है, यानी ये द्वंद्व कहीं ना कहीं मानव निर्मित दिखाई देता है, तो इसके फिर सॉल्यूशन क्या क्या है? सर उनके जो कॉरिडोर है सर उसमें अगर हाथी के खान पान खाने पीने की अगर व्यवस्था की जाए तो वो गांव की ओर नहीं आएंगे सर इस तरफ। खाने के क्या है सर, वो गन्ना क्षेत्र भी है सर सूरजपुर जिला, इस कारण गन्ने के कारण भी सर वो गांव की ओर भी आते हैं। ठीक, हाल ही में कर्नाटका चुनाव के रिजल्ट्स आ गए, जानकारी है आपको इसके बारे में? चलिए हाँ, मतलब आपको जानकारी नहीं है तो चलिए, बी मैकेनिकल आपका सब्जेक्ट है, तो मैकेनिकल से कैसे फिर आप वनों की तरफ आकर्षित हुए? सर जब ग्रेजुएशन हुआ सर तो शासकीय क्षेत्रों में ही जाना था सर। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।